हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, बताइए कैसे हैं आप सब लोग। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। क्योंकि अभी है शाम का टाइम और मैं बना रही हूँ मक्की की रोटी। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों को मक्की की रोटी बनाने में दिक्कत होती है या नहीं आती है बनानी, तो उनके लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। आप वीडियो देखिए और देखिए कि मक्की की रोटी बनाने कितनी आसान है, कोई भी मुश्किल नहीं है। और आप पूरी वीडियो देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि मक्की की रोटी आसानी से हम बना सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम गैस पे जो मक्की की रोटी बनाते हैं वो थोड़ी कच्ची रहती है। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि कच्ची रहती है, टेस्टी नहीं होती, बट ऐसा नहीं है। गैस पे भी हम बनाते हैं तो वो भी टेस्टी बनती है। तो मैं भी आज गैस पे ही बना रही हूँ। और ये देखिए, इसमें घी या तेल कुछ भी लगा लीजिए आप तवे में, ताकि नीचे रोटी चिपके ना और आसानी से जब हम पलटें उसको तो आसानी से पलट जाए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरह से आटा गूंधा जाता है मक्की का। और इसको एक साथ गूंध के नहीं रखते हैं, थोड़ा थोड़ा गूंधना पड़ता है। और इसके लिए कई बार थोड़ा सा गर्म पानी चाहिए होता है और कई बार तो ठंडे में भी बन जाता है अगर आटा अच्छा हो और बहुत ज़्यादा बारीक पीसा हो तो ठंडे पानी से भी बन जाता है। पर अगर थोड़ा मोटा आटा हो तो उसके लिए हमें गर्म पानी चाहिए होता है। तो ये देखिए, साथ में कुशु भी बना रही है मक्की की रोटी। और इसी तरह से बच्चे सीखते हैं, क्योंकि हमने भी इसी तरह से सीखी है। जब हमारी मम्मी मक्की की रोटी बनाती थी तो वो हमारे पास भी थोड़ा सा आटा दे देते थे कि तुम लोग भी बनाओ साथ में। तो हम लोग बनाते रहते थे और 10 बार वो बनती थी, 10 बार टूटती थी। तो इस तरह से हमने सीखी है। तो ये भी अभी प्रैक्टिस कर रही है धीरे धीरे। और इतनी छोटी छोटी ही हम भी बनाते थे शुरू में, तो अभी देखिए अब कितनी बड़ी रोटी बन जाती है। तो बच्चे इसी तरह से सीखते हैं धीरे धीरे, तो उनके पास छोड़ना चाहिए काम करने के लिए, ताकि वो करें। और एक बार टूटेगी, दूसरी बार टूटेगी, तीसरी बार आसानी से बन जाएगी। तो ये देखिए आटा गूंध रही हूँ मैं अभी। फ्रेंड्स, सर्दियों में मक्की की रोटी का स्वाद कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। वैसे तो हम गर्मियों में भी खाते हैं, बट सर्दियों में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और अगर इसके साथ साग बना हो या फिर खैरू हो तो इसका स्वाद और भी ज़्यादा हो जाता है, डबल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैं बना रही हूँ अभी, क्योंकि मैंने कढ़ी बनाई है तो कढ़ी के साथ भी बहुत टेस्टी लगती है। और ये देखिए, ये जो मैं बना रही हूँ अभी, इसको हमारे लोकल लैंग्वेज में आरी बोलते हैं। तो ये देखिए इसके साथ पानी लगा के, और ये आरी है, इसको आरी बोलते हैं हमारे लोकल लैंग्वेज में। अब आप लोगों के पता नहीं क्या बोलते होंगे, बट इसको आरी बोलते हैं। और आधी रोटी जो है वो आरी में ही तैयार हो जाती है। देखिए कितनी बड़ी हो गई। और इसको करने का भी एक तरीका होता है, इसको बनाने का ये एक तरीके से बनाई जाती है कि बीच में से, सेंटर से धीरे धीरे अंगूठे को और एक साइड से उंगलियों को दबाते जाओ और फिर धीरे 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 साइड तक पहुँचना है। और उसके बाद फिर दोनों हाथों के बीच में रोटी को रख के और हथेली से और आगे की उंगलियों से धीरे धीरे दबाते हुए चलना है। और धीरे 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 इसको बड़ा करना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी टूट जाती है, तो इसको बहुत ही आराम से बनाना पड़ता है। और ये देखिए कितनी बड़ी रोटी बन चुकी है, और ना तो ये टूट रही है, बिल्कुल आराम से बन रही है धीरे धीरे। और पूरा हाथ इसमें यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि टूटने का डर रहता है। तो आप अपने हाथों को पूरा फैला के, दोनों हाथों को, और फिर आराम आराम से इसको बना सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। और कुशुमिता ने तो जब तक मेरी एक रोटी तैयार हुई तब तक 2 बना दी है छोटी छोटी। और अब पहले मैं अपनी रोटी पका लेती हूँ तवे पर। तो ये देखिए आराम से पक रही है, और थोड़ा सा आंच कम रखनी पड़ेगी इसके लिए। तेज़ आंच में ये कच्ची रह सकती है, लेकिन अगर कम आंच में पकाएंगे तो बिल्कुल अच्छे से पक जाएगी और बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहेगी। और ये ध्यान रखना है कि जितनी बार भी आप तवे पे रोटी डालेंगे उतनी बार ही आपको तवे पे तेल लगा लेना है, ताकि रोटी चिपके ना तवे में और आसानी से पलट सकें आप। और जब तक ये पलटने के लिए तैयार होती है तब तक दूसरी रोटी के लिए आटा गूंध के रख लेना है। और ये देखिए तैयार हो चुकी है, और ये चिमटे से मैं इसको पलट दूंगी।
और ये कुशु ने दो रोटियां बना के रखी है और बहुत मोटी मोटी बनाई है इसने, क्योंकि अभी आती नहीं इसको बनानी, और ये टूटती भी रहती है साथ साथ, तो इसलिए इससे मोटी मोटी बनी है। अब मैं थोड़ा सा इसको ठीक कर लेती हूँ। और अब मेरी ये देखिए तवे वाली रोटी एक साइड पक चुकी है, और कम आंच रखे इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है, बट अंदर तक पक जाती है आराम से, कच्ची नहीं रह सकती। और इसको उठाने के बाद मैं ये छोटी सी दो रोटियां इनको डाल दूंगी एक साथ, क्योंकि छोटी छोटी बनाई है इसने, तो इसलिए मैं इन दोनों को एक साथ ही डाल दूंगी। ये रोटी दोनों तरफ से पक चुकी है, ये देखिए एक साइड भी इसकी पक चुकी है और दूसरी साइड भी अच्छे से पक गई है, तो अब इसको मैं उठा लूँगी। और देखिए उठाने के बाद तवे में फिर से लगाना है तेल, और अब मैंने डाल दी हैं दोनों रोटियां एक साथ, क्योंकि ये छोटी छोटी बनी है और तवे पे जगह है, तो मैंने दोनों एक साथ डाल दी है। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको मक्की की रोटी बनानी बहुत ही आसान लगेगी और आसानी से आप बना सकेंगे, अच्छे से सीख जाएंगे। तो ये देखिए इसमें जो डिज़ाइन बनता है वो बहुत ही सुंदर लगता है, और देखिए कितनी हाफ रोटी तो इसी तरह से बन गई है। अब थोड़ी सी जो रही है ये देखिए डिज़ाइन, इसके अंदर बहुत सुंदर डिज़ाइन आता है दोनों साइड, और बहुत प्यारा लगता है मुझे। तो देखिए कितने आराम से मैं रोटी को बना रही हूँ, और इसी तरह से आराम से इसको बनाना है, चपाती की तरह जोर इसमें नहीं दिखाना है अपना, और बिल्कुल आराम से धीरे धीरे हथेली से और उंगलियों से दबा के धीरे धीरे, और ये बड़ी होती जाएगी और टूटेगी भी नहीं।
फ्रेंड्स आपने देखा कि मैंने थोड़ा सा आटा इसमें से निकाल दिया, तो आपने आटा बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि अगर ज़्यादा आटा लेंगे तो रोटी बहुत मोटी बन जाएगी या फिर बहुत बड़ी बनानी पड़ेगी। तो अगर हाथ छोटे छोटे हैं मेरी तरह तो फिर बड़ी रोटी बनाना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा आटा लीजिए और पतली और अच्छी तरह से बन जाएगी। फ्रेंड्स वीडियो की स्पीड मैंने थोड़ा बढ़ा दी है, क्योंकि अब आप लोगों को पता चल ही चुका होगा कि किस तरह से मक्की की रोटी बनाई जाती है। तो ये देखिए आसानी से, और ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है तो मैंने इसका थोड़ा सा फास्ट इसको कर दिया है। तो फ्रेंड्स जब भी मेरा मक्की की रोटी खाने का मन होता है तो मैं इस तरह से गैस पे मक्की की रोटी बना लेती हूँ, और वो कच्ची भी नहीं रहती है, बहुत अच्छे से पकती है, और थोड़ा कम आंच में पकाती हूँ मैं, तो ये बहुत अच्छे से पक जाती है। और मैं छोटी छोटी बनाती हूँ, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाती। वैसे तो चूल्हे की रोटी का स्वाद ही कुछ और होता है, चूल्हे में जब हम नीचे उसको आग पे पकाते हैं तो वो करारी और एकदम से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। बट अगर हमारे पास चूल्हा नहीं है तो हम गैस पे भी बना सकते हैं, और वो कच्ची नहीं रहेगी, वो अच्छे से पकेगी और बहुत ही टेस्टी बनती है। और सर्दियों में मक्की की रोटी खाने का तो मज़ा ही कुछ और है। तो मैं भी थोड़ा सा आटा लेकर आई थी मक्की का, और कभी कभी मैं बना लेती हूँ साग के साथ या खैरों के साथ या कढ़ी वगैरह कुछ बनी हो तो उसके साथ मैं मक्की की रोटी बना लेती हूँ कभी कभी। और ये बनाने में भी ईजी होती है, क्योंकि इसमें साथ साथ ही आटा गूंदो और जितनी रोटी बनानी हो उतना ही आटा गीला करना है, ज़्यादा एक्स्ट्रा आटा नहीं गूंदना पड़ता। फ्रेंड जिन लोगों को मक्की की रोटी बनानी नहीं आती होगी वो लोग भी सीख गए होंगे वीडियो देख के। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मक्की की रोटी बनानी कितनी ईजी है, कितनी आसान है और कितने अच्छे से आप बना सकते हैं इसको। तो आप प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि किस तरह से हम आटा गूंथते हैं और फिर किस तरह से हम धीरे धीरे इसको रोटी को बनाते हैं। फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी और मेरा मक्की की रोटी बनाने का तरीका आपको कैसा लगा, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं मक्की की रोटी किस किस चीज़ के साथ पसंद करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। मुझे साग के साथ, खैरू के साथ, कद्दू के साथ मक्की की रोटी बहुत टेस्टी लगती है। और आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को मक्की की रोटी किस किस चीज़ के साथ, किस किस सब्जी के साथ अच्छी लगती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो इतनी ही थी, तो फुल वीडियो वॉच कीजिएगा और सीखिएगा मक्की की रोटी बनाना। तो कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।